झांसी पुलिस ने एक अंधे कत्ल की हुत्थी सुलझा ली है। यहां रेवन नामक गांव में लखेरी नदी के पास एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने महिला की शिनाख्त के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कराया था। बाद में महिला के भाई ने शव की शिनाख्त की। उसने अपने बहनोई पर बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। भाई की शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार लिया है। आरोपी अपनी पत्नी से व्यवसाय के लिए पत्नी के नाम की जमीन बेचकर पैसे की मांग कर रहा था। पत्नी के इनकार करने पर उसने पत्नी का सिर दीवार से दे मारा और गला पकड़कर जमीन से ऊपर उठा दिया। गला दबने से पत्नी की मौत हो गई। बाद में भूसा भरने वाली प्लास्टिक की बोरी में शव को उसी की साड़ी से पैक कर लखेरी नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना टोडी फतेहपुर में एक महिला का लाश प्राप्त मिली थी, तो उसकी पहचान उसके भाई ने इंदिरा देवी इंदिरा कुशवाहा पत्नी राजू कुशवाहा के रूप में की, ग्राम श्यावरी थाना मऊरानीपुर के रूप में की। क्योंकि इस महिला के बारे में हमने जानकारी की और चला पता इसका पति राजू जो है जो इससे शुद्ध शादी की थी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद रहता था, उसको लेकर के बात की तो उसने जुर्म स्वीकार किया और उसने कहा कि मैंने इसने ही अपनी पत्नी को मारा है और इसको गिरफ्तार किया। इसने कन्फेस किया पूरा और कन्फेस करके मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है।